یا شاہ مدینہ کرم ہو کرم ہو یا شاہ مدینہ کرم ہو کرم ہو یا شاہ مدینہ کرم ہو کرم ہو کرم ہو کرم ہو یا شاہ مدینہ شاہ مدینہ ہمر سے نکالو ہمر سے نکالو ہمارا سفینہ
कर मोमिनू हौज कौसर है पीना करम हो करम या मोहम्मद करम हो
रोजादार का फरमान है ये मोमिनो परवरदिगार का फरमान है ये मोमिनो परवरदिगार का नजर कोई आती है जब भी मुश्किलें पेशे नजर कोई आती है जब भी मुश्किलें पेशे नजर कोई अल्लाह लाज रखता है बंदों की उस घड़ी अल्लाह है निगेबा अल्लाह है निगेबा इबादत गुजार का फरमान है ये मोमिनो परवरदिगार का फरमान है ये मोमिनो परवरदिगार क्या बयां अजमत महे सियाम की मुझसे हो क्या बयां अजमत महे सियाम की मुझसे हो क्या बयां जिक्रे खुदाए पाक से हर दिल है शादमा जिक्रे खुदाए पाक से हर दिल है शादमा जिक्रे खुदाए का महीना है रमजान का महीना है सब्रों करार का फरमान है ये मोमिनो परवरदिगार का फरमान है ये मोमिनो परवरदिगार का दिल सदा कीना हसद से पाक हो मोमिन का दिल सदा कीना हसद से पाक हो मोमिन का दिल सदा लारे बुजो भी मांगिए करता है रब अता लारे बुजो भी मांगिए करता है रब अता
परवरदिगार का फरमान है ये मोमिनो परवरदिगार का फरमान है ये मोमिनो परवरदिगार शामिल करे बशर अपनी खुशी में उनको भी शामिल करे बशर अपनी खुशी में उनको भी शामिल करे बशर नादार बेकसो पे करे दोस्तों नजर इजहार प्यार का फरमान है ये मोमिनो परवरदिगार का फरमान है ये मोमिनो परवरदिगार का चांद ईद का सब चेहरे खिल उठे देखा जो चांद ईद का सब चेहरे खिल उठे देखा जो चांद ईद का सब चेहरे खिल उठे आपस की रंजिशें मिटी और दिल से दिल मिले ये बहार का फरमान है ये मोमिनो परवरदिगार का फरमान है ये मोमिनो परवरदिगार का जन्नत में होगा दाखला जन्नत में ये किसके वास्ते अफला को जन्नत को सजाया है तमामी रास्तों को
इत्र रहमत में बसाया है। बुलाया है किसे खालिक ने खुद अर्शे मुअल्ला पर, फकत सरकार दो आलम ने ये एजाज पाया है। बहमदिल्लाह क्या है शान और अजमत मोहम्मद की, मुशाबा है कलाम अल्लाह से सूरत मोहम्मद की। शबे मेराज बुलवाया उन्हें खुद अर्शे आजम पर, खुदाए पाक को है किस कदर चाहत मोहम्मद की। इसीलिए कहना है क्या अजीजो गौर से ये एक कुरानी बयां सुन लो, अजीजो गौर से ये एक कुरानी बयां सुन लो कि मेरा जे मोहम्मद की ये सच्ची दास्तां सुन लो। मेरा जे मोहम्मद की ये सच्ची दास्तां सुन लो। सामईन, शबे मेराज का ये वाकया मैं यहां से शुरू कर रहा हूं। लहजा फरमाइए। सना कर लो खुदा की और दुरूद पाक भी पढ़ लो, जबा हो पाक जिससे और अपना दिल भी रोशन हो। बनाया अर्शे आजम को खुदा ने तो वो हिलता था, किया करता था जुम्बिश वो करार उसको न मिलता था। हुआ इरशाद रब महबूब को तुझ पर बुलाएंगे के उनकी खाके पासे हम तेरी इज्जत बढ़ाएंगे। ये सुनकर अर्शे आजम के लिए फौरन करार आया, तसव्वुर में तभी उसके कोई जाने बहार आया। बनाए जब जमीनों आसमां अल्लाह ताला ने, अता फरमाई दोनों को जबां अल्लाह ताला ने। पलक ने अपनी ज़ेबाइश जो देखी तो वो इतराया, जमी की इनका सारी को वो खातिर में नहीं लाया। जमीनों आसमां में बहस एकदम हो गई जारी, बताई अपनी अपनी दोनों ही ने खूबियां सारी। पलक बोला के मुझ में चांद सूरज और सितारे हैं, जमी बोली के मुझ में गुंचाओ गुल के नजारे हैं। पलक बोला तुझे पस्ती मुझे हासिल बुलंदी है, जमी बोली के पस्ती से ही मुझको अर्जुमंदी है। पलक बोला के मुझ में देख नूरानी फरिश्ते हैं, जमी बोली मेरे ऊपर
पर खुदा के नेक बंदे हैं। पलक बोला के मुझ पर अर्श है जन्नत का जीना है, पलक बोला के मुझ पर अर्श है जन्नत का जीना है, पलक बोला के मुझ पर अर्श है जन्नत का जीना है, जमी बोली के मुझ पे काबा है मक्का मदीना है, तबारक व ताला ने जब जमीन व आसमान को पैदा किया तो दोनों ही बहस करने लगते हैं, लेकिन ये बहस आगे कहां तक जाती है, लीजिए सुने। फलक बोला सितारों से सुहाना मेरा मंजर है, जमी बोली खजाना मोतियों का मेरे अंदर है, फलक बोला तू मिट्टी है बनाऊं मैं जबरजद से, तुझे हासिल नहीं वुसअत तू कमतर है मेरी हद से, फलक बोला जमी से तू कहीं मेरे बराबर है, मैं हूं साया फिगन तुझ पर तेरा साया न मुझ पर है, मेरे दामन में है लौहो कलम और बहते मामूरा, बराबर हो नहीं सकता कभी मेरा तेरा रुतबा, जमी ये खूबियां सुनकर पलक की चुप रही बरसों, नजर अफलाक की जानिब नहीं उसकी उठी बरसों, मगर जब सरवरे दी आमना के हर हुए पैदा, जमी का नूरे पैगंबर से चेहरा जगमगा उठा, चहक कर फख्र से बोली जमी अब ऐ फलक सुन ले, तेरी अजमत से बढ़कर हैं हमारी खाक के जर्रे, मुजस्सम नूर है जो वो नबी है जलवा गर मुझ पर, न होगा तेरी रिफअत का कोई भी अब असर मुझ पर, जो सब मखलूक में आला है और सबसे मुअज्जम है, जो सब नबियों के अफसर और शहंशाह दो आलम है, सहे किस्मत के अब उनके कदम है मेरे सीने पर, पता है ऐसी हस्ती तेरे ऊपर कोई जलवागर, वो है मुझ पर के जिल से दोनों आलम में उजाला है, वो है मुझ पर के जिल से दोनों आलम में उजाला है, वो है मुझ पर के जिल से दोनों आलम बता अब ऐ फलक तू मर्तबे में कौन आला है, बता अब ऐ फलक तू मर्तबे में कौन आला है, बता अब ऐ फलक तू मर्तबे में कौन आला है। Thank you.
फलक ये बात सुनकर सर निगू था शर्म सारी से। बहस रख चश्मिनम फिर अर्ज की ये रब्बे बारी से। इलाही सब पढ़ाई खाक में अब मिल गई मेरी। किसी सूरत से यारब दूर कर ये बेकसी मेरी। कदम बोसी तेरे महबूब की जो मुझको मिल जाए। बने तब बात मेरी गुंचे दिल मेरा खिल जाए। पलक ने पेश रब रो कर झुका दी अपनी पेशानी। खुदा ने इस तरह फिर दूर की उसकी पशेमानी। ये फरमाया के हम महबूब को तुझ पर बुलाएंगे। के हम नालैंड से उसकी तेरी इज्जत बढ़ाएंगे। पलक सुनकर ये बेहद खुश हुआ उसको करार आया। के फरमाने खुदा उसके लिए बनकर बहार आया। हुआ फिर हुक्म हक ताकीद से सारे फरिश्तों को। सजाओ हर तरह से खूब सातों आसमानों को। करो आरास्ता जन्नत के महलों सैरगाहों को। जमी से आसमां तक आने वाली शाहराहों को। सितारों चांद सूरज से कहो रोशन रहे शब भर। मलाइक हूरो गिल्मा सब रहे मुस्तैद खिदमत पर। मलाइक हूरो गिल्मा और तमामी मेरे पैगंबर। बराए खैर मकदम सब हो हाजिर आसमानों पर। मेरे महबूब का जलवा सभी अब देख पाएंगे। मेरे महबूब का जलवा सभी अब देख पाएंगे। मेरे महबूब का जलवा सभी अब देख पाएंगे। मोहम्मद मुस्तफा अब अर्श पर तशरीफ लाएंगे। मोहम्मद मुस्तफा अब अर्श पर तशरीफ लाएंगे। मोहम्मद मुस्तफा अब अर्श पर तशरीफ लाएंगे। अल्लाह तबारक व ताला ने सब फरिश्तों को ये हुक्म दिया कि आज अर्श आजम सजा दो क्योंकि हम अपने महबूब को यहाँ बुलाने वाले हैं। आगे क्या हुआ सुनो। हुआ इरशाद फिर जिब्रील से तुम फर्श पर जाओ। मेरे महबूब को दूल्हा बना कर शान से लाओ। बुराकित जन्नती और पैरहन जन्नत का शाहाना। मोहम्मद मुस्तफा के वास्ते तुम साथ ले जाना। बहुक्मे किबरिया रूहुल अमी जब मक्के में पहुंचे। रसूले पाक उस दम सोते थे घर उम्मे हानी के। शहनशाह दो आलम को वहां सोते हुए पाया। खुदाए पाक ने जिब्रील से इरशाद फरमाया। उन्हें आवाज देकर सोते से बेदार मत करना। मेरे महबूब के तलबों से तुम अपनी जबी मलना।
किया ऐसा ही जब जिब्रील ने तब मुस्तफा जागे कहा जिब्रील ने प्यारे नबी अब अर्श पर चलिए खुदाए पाक ने कुछ बात करने को बुलाया है तुम्हारे वास्ते अफलाक को जन्नत को सजाया है उठे सरकार आबे खुल्द से फिर गुस्ल फरमाया उन्हें रूहुल अमीने फिर लिबासे खुल्द पहनाया कमर से बांध कर पटका अमामा खुल्द का बांधा लगाया आपकी आंखों में फिर माजाग का सुरमा शहनशाह तो आलम का हसी पुरनूर चेहरा था फिर उस पर रहमतों के फूलों का रंगीन सेहरा था निछावर करते थे हूरो मलक उस दम मोहम्मद की निछावर करते थे हूरो मलक उस दम मोहम्मद की निछावर करते थे हूरो मलक उस दम मोहम्मद की रजब का था महीना और 27वीं शब थी रजब का था महीना और 27वीं शब थी रजब का था महीना और 27वीं शब थी अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से रूहुल अमीन जब मक्का शहर में आते हैं उस वक्त आका उम्मे हानी के घर सो रहे थे लेकिन जिब्रील अमीन वहां आकर आपको अपनी जबी मलकर उठाते हैं और फिर किस तरह अर्श आज़म पर ले जाते हैं सुनेगा बुरा काया था जो जन्नत से उस पर आप जब बैठे तो चश्मा ने मुबारक में यकायक अश्क भर आए कहा जिब्रील ने ये तो खुशी का वक्त पाया है भरे हैं आंखों में आंसू कहो इसका सबब क्या है ये फरमाया शहदी ने कयामत जब के आएगी लहद से उठ के उम्मत हश्र को पैदल ही जाएगी निदा आई मेरे महबूब तुम इसका न गम खाओ बुरा खर उम्मती पाएगा अब तुम शाद हो जाओ खुदा का शुक्र अदा करके चले आका मसरत से चली बारात महबूबे खुदा की शानो शौकत से जुलू में थे फरिश्ते नूर की कंदीलें थी उन पर मलाइक इत्र रहमत का छिड़कते आगे बढ़ बढ़ कर गरज सरकार पहुंचे शान से बैतुल मुकद्दस पर जहां मौजूद थे पहले से सब अल्लाह के पैगंबर सफे बांधे खड़े थे सब नबी बैतुल मुकद्दस में कहीं कोई जगह खाली न थी बैतुल मुकद्दस में पढ़ाएगा नमाज अब कौन सबको इंतजारी थी के जिब्रील अमीन ने ये मोहम्मद से गुजारिश की ये फरमाने खुदा है अब तुम ही जाओ मुसल्ले पर
इमामत है तुम्हारा, तुम ही हो सबसे आला तर, सभी नबियों से बढ़कर ऐ मोहम्मद मुस्तफा तुम हो, सभी नबियों से बढ़कर ऐ मोहम्मद मुस्तफा तुम हो, सभी नबियों से बढ़कर ऐ मोहम्मद मुस्तफा तुम हो, शहे हर दूसरा तुम ओ इमामुल अंबिया तुम हो, शहे हर दूसरा तुम हो इमामुल अंबिया तुम हो, शहे हर दूसरा तुम हो इमामुल अंबिया तुम हो। जब हजरत जिब्रील अमीन मेरे आका को दूल्हा बनाकर बैतुल मुकद्दस में ले गए, सारे नबी वहां पहले से ही इंतजारी में थे। हुक्म होता है, जिब्रील अमीन फरमाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, ऐ महबूब आप इन नबियों की इमामत फरमाएं। इस तरीके से मेरे आका ने सब नबियों की इमामत फरमाई और फिर आगे क्या होता है लीजिए मुलाहिज़ा फरमाइएगा। इस बंद में चली बैतुल मुकद्दस से सवारी जब शहीदी की, तो पहले आसमां पर जाके बाबे खास पर पहुंची, वहां जिब्रील ने दस्तक दी और दरवाजा खुलवाया, हुए दाखिल जो अव्वल आसमां पर तो वहां देखा, फरिश्ते महव थे अल्लाह ताला की इबादत में, खड़े थे हाथ बांधे सब फरिश्ते एक हालत में, हुए हुक्मे खुदा से सब के सब हाजिर सलामी को, बफजले किबरिया प्यारे नबी का मर्तबा देखो, मिले फिर हजरत आदम से खुश होकर शहे मुरसल, मुबारक बाद लेकर पार की वो मंजिले अव्वल, जो पहुंचे आसमाने दोम पर तो सबने ज्यारत की, मिले दाऊद और ईसा मुबारक बाद उनसे ली, फलक जब तीसरा आया मिले यूसुफ नबी उनको, मोहम्मद का मिला दीदार थी बेहद खुशी उनको, चहारम आसमां पर मिल गए इदरीस पैगंबर, फलक जब पांचवा आया मिले हारून से जाकर, छठे पर हजरते मूसा ने ज्यारत का शरफ पाया, खलीलुल्लाह मिले उनको फलक जब सातवां आया, मोहम्मद मुस्तफा खुश थे हुई सबसे मुलाकातें, मुबारकबाद इब्राहिम ने दी और की बातें, नजर आई यकायक फिर इमारत एक जबर जद की, नजर आई यकायक फिर इमारत एक जबर जद की, नजर आई यकायक फिर इमारत एक जबर जद की, सवारी रुक गई जाकर वहीं प्यारे मोहम्मद की, सवारी Thank you.
محترم حضرات، آپ نے سنا کس طریقے سے میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتوں آسمانوں پر جاتے ہیں اور ملاقاتیں کرتے ہیں، لیکن جب بیت المامور آیا تو پھر کیا ہوا؟ لیجئے ملاحظہ فرمائیے. عمارت نور کی تھی خوشنما وہ بیت مامورا، خدا کے سب فرشتوں کا وہی تھا ایک بس کعبہ، فرشتے بے شمار اس میں صفیں باندھے ہوئے بیٹھے، رسول اللہ جب پہنچے وہاں جبریل یہ بولے، یہاں بھی سب فرشتوں کی امامت آپ فرمائیں، سبھی ہیں منتظر دیدار کے دیدار دکھلائیں، نمازی امتی مرحوم جو ہیں وہ یہاں ہوں گے، وہ سب جو آپ کو دیکھیں گے بے حد شادماں ہوں گے، رسول پاک نے پھر سب فرشتوں کی امامت کی کہ اس شب ایک جا سارے فرشتوں کی جماعت تھی، سہے قسمت وہاں سرکار نے انعام یہ پایا کہ ان کو رحمت للعالمی خالق نے فرمایا، وہاں سے لے گئے روح الامی سرکار کو آگے، بہت ہی پرفضا میدان سبزہ زار پر پہنچے، وہاں ایک خوبصورت کرسی پہ ایک شخص بیٹھے تھے، وہیں کرسی پہ ایک خاتون بیٹھی تھی برابر سے، بزرگی دونوں پہ تھی نور سے معمور تھے چہرے، اسی میدان میں بچے خوبصورت کھیلتے دیکھے، وہ بچے کھیل کر ان دونوں کے جب پاس آتے تھے، انہیں ماں باپ کی صورت میں پا کر چین پاتے تھے، کہا آقا نے بچے کون ہے یہ بہت اچھے ہیں، بتایا آپ کی امت کے یہ مرحوم بچے ہیں، بتایا آپ کی امت کے یہ مرحوم بچے ہیں، بتایا آپ کی امت کے یہ مرحوم بچے ہیں، بتایا آپ کی امت کے یہ مرحوم بچے ہیں، بتایا آپ کی امت کے یہ مرحوم بچے ہیں، بتایا حضرات، بیت المامور پر جب میرے آقا پہنچے تو وہاں بھی فرشتوں کی جماعت آپ کا انتظار کر رہی تھی. حضرات، آپ نے وہاں پر بھی فرشتوں کی امامت فرمائی اور اس کے بعد جبریل امین میرے آقا سے آگے اور کیا کہتے ہیں سنیے گا. مناظر بہت سے قدرت کے دیکھے سرور دینے، کہا جبریل نے سدرہ پہ اب تشریف لے چلیے، اچانک آ گیا ایک سبز رنگ کا تخت نورانی،
बहुत ही खूबसूरत था, चमक थी उसकी लासानी। सवार उस पर हुए आका उड़ा वो तख्त तेजी से, बुरा उनका चले जिब्रील लेकर साथ में अपने। जो रास्ता 500 सालों का था दम में किया पूरा, के हफ्तम आसमां से उड़ के वो सिदरा पे जा ठहरा। वहां से तख्त गायब हो गया वो रब की मर्जी से, पूरा कपना लिया आका ने उसकी पुश्त पर बैठे। कहा जिब्रील ने अब इससे आगे आप ही जाएं, इजाजत दे मुझे रुकने की मुझ पर मेहर फरमाएं। ये फरमाया नबी ने किस लिए तुम ऐसा करते हो, के वक्त आया रिफाकत का तो तुम हमसे बिछड़ते हो। कहा हम बालू भर आगे बढ़े तो ये समझ लीजिए, जलेंगे पर हमारे सब तजल्ली ये इलाही से। फकत अब आप ही के जाने का ऊपर को है रास्ता, कोई भी दूसरा सिदरा से आगे जा नहीं सकता। नबी अल्लाह अभी तो है बहुत लंबा सफर बाकी, उसे तय आप ही फरमाएंगे रहमत से अल्लाह की। पूरा तागे उड़ा और ले गया सरकारे आला को, पूरा तागे उड़ा और ले गया सरकारे आला को, पूरा तागे उड़ा और ले गया सरकारे आला को। मोहम्मद याद करते जा रहे थे हफ्ता आला को, सिदरतुल मुंतहा पर जाकर जिब्रील अमीन मेरे आका से फरमाते हैं, आका इससे आगे जाऊंगा तो तजल्लिए इलाही से मेरे पर जल जाएंगे, इसके आगे बस आप ही जा सकते हैं। लेकिन फिर क्या हुआ सुने, मोहम्मद मुस्तफा को आगे चलकर वो मकाम आया, बुरा कुन का रुका हक कर नहीं वो आगे चल पाया। ये सोचा आपने आगे को पैदल ही चला जाए, पूरा कारी हुआ चलने से आखिर क्या किया जाए। यकायक तख्त रफ रफ एक नूरानी वहां आया, जो पहले तख्त से ज्यादा था बेहतर जगमगाता था, मगर वो इतना ऊंचा था कि उस पर चढ़ना मुश्किल था। किसी ने आपके पांव के नीचे रख दिया कंधा, नबी जब चढ़ गए रफ रफ के ऊपर तो ये फरमाया, बताओ कौन हो तुमने मुझे अपना दिया कंधा। कहा सरकार रूहे गौसु हूँ मैं अब्द कादिर हूँ, खुदा के हुक्म से मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ।
तुम्हारी नस्ल में पैदा करेगा मुझको हक ताला। अजल से हूँ तुम्हारे इश्क में सरकार मतवाला। कहा तुमने कदम मेरा लिया है अपनी गर्दन पर, कदम होगा तुम्हारा हर वली अल्लाह की गर्दन पर। वहां से ले गया रफ रफ किनारे अर्श के पहुंचा, नबी उतरे वहां तो तख्त वो नजरों से गायब था। ये सोचा अर्श आजम है अदब इसका किया जाए, उतारी पाऊ से नालैन और आका बढ़े आगे। हुआ इरशादे रब्बानी तकल्लुफ तुम न फरमाओ, हुआ इरशादे रब्बानी तकल्लुफ तुम न फरमाओ, हुआ इरशादे रब्बानी तकल्लुफ तुम न फरमाओ। मैं नालैन के महबूब मेरे अर्श पे आओ, जब रफ रफ पर आप सवार होते हैं तो वो रफ रफ आपको अर्श आजम के किनारे छोड़ देता है, लेकिन आपने सोचा कि ये अर्श आजम है, लाओ पाऊं से नालैन जुदा करें। निदा आती है कि नहीं मैं नालैन के, ऐ मेरे महबूब तुम हमारे पास आओ। आगे क्या हुआ सुनिएगा। कहा प्यारे नबी ने तूर पर जिस दम गए मूसा, हुआ था हुक्म तेरा उनको नंगे पांव आने का। कहां वो तूर मिट्टी का, कहां ये अर्श नूरी है। जुदा करना यहां नालैन पांव से जरूरी है। निदा आई के यूं मूसा को नंगे पांव बुलवाया, के खाके दूर से मूसा का कुछ बढ़ जाएगा रुतबा। मैं नालैन तुझको इसलिए आना जरूरी है, तेरी नालैन के बिन अर्श की अजमत अधूरी है। हकीकत ये है कि मेरे लिए तुम प्यारे बेहद हो, बहुत कुछ फर्क है मूसा थे वो और तुम मोहम्मद हो। मैं नालैन अर्शे पाक पर हजरत गए तन्हा, तो अर्शे पाक से अल्लाह ताला ने ये फरमाया, कदम तू चूम ले जी भर के अब प्यारे मोहम्मद के। तेरी हसरत तेरे अरमान हमने कर दिए पूरे, कदम चूमे खुशी से झूम कर अर्शे मुअल्ला ने। कहा इज्जत बढ़ी मेरी कदम जो आपके आए, खुशा किस्मत के खाके पा तुम्हारी हो गई हासिल। के नालैन मुबारक से हुआ मैं फख्र के काबिल, मोहम्मद मुस्तफा ने फिर खिरा में नाज फरमाया। खुदा ने उनके ऊपर रहमतों का नूर बरसाया, रुके पर्दे पे तो आवाज आई आओ बेपर्दा।
कि तुम अपने हो, अपनों से कभी पर्दा नहीं होता। शबे मेराज की खिलवत का वो मंजर निराला था, शबे मेराज की खिलवत का वो मंजर निराला था, शबे मेराज की खिलवत का वो मंजर निराला था। इधर भी नूर वाला था, उधर भी नूर वाला था, इधर भी नूर वाला था, उधर भी नूर वाला था, इधर भी नूर वाला था, उधर भी नूर वाला था। हजरात, जब मेरे आका मैं नालैन अर्शे बाग के करीब जाते हैं तो अर्शे बरी आपके कदम चूम कर फख्र महसूस करता है। लेकिन शबे मेराज की खिलवत का वो मंजर निराला था, इधर भी नूर वाला था, उधर भी नूर वाला था। मिले जलवों से जलवे तो मोहब्बत रंग ये लाई, के राजो न्याज की बातों से रहमत जोश में आई। ये फरमाया खुदा ने मांग लो महबूब जो चाहो, करेंगे उसको हम पूरा तुम्हारी जो तमन्ना हो। उधर से खुल गए रहमत के दर जोशे सखावत से, इधर लब पर सवाल आया मगर शाने खनात से, कहा प्यारे नबी ने बख्श दे उम्मत खुदा मेरी, यही अरमान है मेरा, यही है इल्तिजा मेरी। ये फरमाया खुदा ने बख्शे अब 70,000 इंसान, सिवा इसके बताओ और हो किस चीज के ख्वाहां। कहा बस बख्शिशे उम्मत का मुजदा चाहता हूं मैं, तलब है बस यही मेरी, यही बस मांगता हूं मैं। कहा 70,000 अब और बख्शे उम्मती तेरे, अलावा इसके अब क्या चाहता है ऐ नबी मेरे। हजारों बार ये पूछा कहा तुम और कुछ मांगो, नबी कहते रहे तू बख्श दे सब मेरी उम्मत को। कहा सब बख्श दूं उम्मत तो कल क्या लुत्फ आएगा, बरोज़े हश्र तुम जिसको कहोगे बख्शा जाएगा। मगर जो तेरा मुनकिर होगा वो दो जख्म में जाएगा, मोहब्बत जो करेगा तुझसे वो फिर दोस्त पाएगा। सहे किस्मत के दरियाए करम फिर जोश पर आया, किस्मत के दरियाए करम फिर जोश पर आया। दिया ताजे शफात मुस्तफा को शाद फरमाया, दिया ताजे शफात मुस्तफा को शाद फरमाया, दिया ताजे शफात मुस्तफा को शाद फरमाया। Thank you.
سامعین حضرات، جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے میرے آقا ہم کلام ہوئے، پروردگار عالم فرماتا ہے، اے میرے محبوب مانگ لے کیا مانگنا ہے؟ آقا اپنی زبان مبارک سے فرما رہے ہیں، اے پروردگار تو میری امت کو بخش دے۔ پروردگار عالم کہتا ہے 70,000 بخش دیے، لیکن دوبارہ پھر جب پوچھا تو میرے آقا یہی کہتے ہیں کہ میری امت کو بخش دے۔ پروردگار عالم نے پھر کہا کہ 70,000 پھر بخش دیے، لیکن آقا بار بار یہی کہتے تھے کہ اے اللہ میری امت کو بخش دے، میری امت کو بخش دے، لیکن آخر میں تاج شفاعت دینے کا وعدہ کر دیا، تو پھر کیا ہوا؟ لیجئے ملاحظہ فرمائیں۔ ہوا ارشاد امت کو تیری سوغات یہ دے دی، نمازیں فرض کی ان رات میں 50 وقتوں کی، محمد مصطفیٰ خوش ہو کے جب واپس چلے آئے، ملے موسیٰ کلیم اللہ تو حالات کچھ پوچھے، کہا امت کو اپنی تم نمازیں کتنی لائے ہو، کہا 50 وقتوں کی ملی ہیں روز امت کو، کہا موسیٰ نے اے پیارے نبی واپس چلے جائیں، نمازیں ہیں بہت امت پہ کچھ تخفیف کروائیں، گئے واپس تو پھر تخفیف کر دی 5 وقتوں کی، کہا موسیٰ نے پھر جاؤ نمازیں ہیں بہت اب بھی، اسی صورت ہوئی کم رہ گئیں بس 5 وقتوں کی، ہوا ارشاد رب جا کر بتانا بات یہ میری، کہا جو امتی ہوگا نمازی 5 وقتوں کا، ثواب اس کے لیے 50 وقتوں کا عطا ہوگا، وہاں سے لوٹ کر پیارے نبی سدرا تلک آئے، تو جبریل امین نے دی مبارک بات خوش ہو کے، کہا اللہ نے جبریل سے محبوب کو میرے، کراؤ سیر جنت کی دکھاؤ محل امت کے، محمد مصطفیٰ فردوس میں تشریف جب لائے، سلامی دی سبھی حوروں نے ان پر پھول برسائے، قدم جنت میں پہنچے جب شہنشاہ رسالت کے، قدم جنت میں پہنچے جب شہنشاہ رسالت کے، قدم جنت میں پہنچے جب شہنشاہ رسالت کے، منور ہو گئے ایک دم نظارے باغ جنت کے، منور ہو گئے ایک دم نظارے باغ جنت کے، منور ہو گئے ایک دم نظارے باغ جنت حضرات۔ جب میرے آقا پروردگار عالم سے ملاقات کرنے کے بعد واپس آ رہے ہیں تو موسیٰ کلیم اللہ آپ سے کہتے ہیں کہ تمہارے امت کے لیے کتنی نمازیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہیں؟ فرمایا 50 وقتوں کی۔ موسیٰ کلیم اللہ کہتے ہیں کہ واپس جاؤ اور کچھ کم کرا کر لاؤ۔ اسی طریقے سے کئی بار میرے آقا آئے گئے تو آخر میں 5 وقت کی نماز رہ گئی،
परवरदिगार आलम फरमाता है कि जो पांच वक्त की नमाज दिल से पढ़ेगा मैं उसको 50 वक्तों का ही सवाब दूंगा। लेकिन आगे नबी ने सैर की फिरदौस के सब गुलसिता देखे, अजीम शान उम्मत के सभी महलो मका देखे, कहीं नहरें कहीं फूलों के पौधों की कतारें थी, गरज हर सिमत जन्नत में बहारें ही बहारें थी, गए जिब्रील लेकर आपको दोज़ख भी दिखलाई, के जिसको देख कर प्यारे नबी की आंख भर आई, उन्हें जिब्रील लेकर आ गए बैतुल मुकद्दस पर, वहां से फिर सफर करने लगे अल्लाह के पैगंबर, मिला एक काफिला रस्ते में जो मक्के को जाता था, बुरा उनका जो देखा काफले का ऊंट एक बिदका, सवार उसका गिरा नीचे नबी ने जिसको पहचाना, करीब आया जो मक्का शहर में हजरत का काशाना, बुराक और हजरत जिब्रील लौटे अपनी मंजिल पर, गए घर उम्मे हानी के रसूल अल्लाह खुश होकर, मिला घर गर्म बिस्तर आपको जंजीर हिलती थी, शबे मेराज का ये मोजिजा रहमत की अल्लाह की, ये थी अल्लाह के महबूब की मेराज जिस्मानी, सफर है ये मुबारक आपका दुनिया में लासानी, नबी ने काम उम्मत के सभी बिगड़े बनाए हैं, शबे मेराज वो बख्शिश का मुजदा लेके आए हैं, हकीकत में मोहम्मद ही नबी मेराज वाले हैं, हकीकत में मोहम्मद ही नबी मेराज वाले हैं, हकीकत में मोहम्मद ही नबी मेराज वाले हैं, शहनशाह दो आलम रहमतों के ताज वाले हैं, जिब्रील अमीन सिदरतुल मुंतहा से मेरे आका को जन्नतुल फिरदौस की सैर कराने ले जाते हैं, और उसके बाद मेरे आका ने अपनी उम्मत के महलो मकान भी देखे, लेकिन हजरत जिब्रील अमीन ने आपको दोज़ख भी दिखाई, और इन तमाम चीज़ों को देखने के बाद ताजदार मदीना सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का शहर में वापस आते हैं तो क्या हुआ सुनिए। शबे मेराज का जब तज़किरा आका ने फरमाया तो जालिम मक्के वालों को यकीन बिल्कुल नहीं आया, सुना अबू बकर ने फौरन यकीन कामिल हुआ उनको, इसी बाईस लकब सिद्दीक का हासिल हुआ उनको, कहा अबू जहल ने ये बात सच्ची हो नहीं सकती, मोहम्मद कह रहे हैं रात की ये बात है झूठी, गया अबू जहल घर घर अह
पहले मक्का को बुला लाया, फिर उसके बाद महबूबे खुदा को उसने बुलवाया। कहा जब अर्श से तुम शहरे मक्का की तरफ आए, मिला रस्ते में कोई तो पता उससे किया जाए। कहा सरकार ने एक शख्स मक्के का मिला हमको, गिरा वो ऊंट से तुम पूछना मुमकिन है आता हो। बुरा उसने हमारा देखा है खुद अपनी आंखों से, अगर वो शहर में आ जाए तो दरियाफ्त कर लीजिए। जब आया ऊंट वाला सबने पूछा तुम ये बतलाओ, कहीं रस्ते में अपनी आंख से देखा मोहम्मद को। कहा उसने सवारी से सफर करते हुए देखा, बड़ी तेजी से गुजरे ऊंट उनको देख कर उछला। कहा उसने सवारी से सफर करते हुए देखा, बड़ी तेजी से गुजरे ऊंट उनको देख कर उछला। गया अबू जहल अपने घर को अपना चेहरा लटकाए, अपना चेहरा लटकाए। यकीन आया जिन्हें ऐ शौक वो ईमान ले आए, यकीन आया जिन्हें ऐ शौक वो ईमान ले आए, यकीन आया जिन्हें ऐ शौक वो ईमान ले आए, यकीन आया जिन्हें ऐ शौक वो ईमान ले आए, यकीन आया जिन्हें ऐ शौक वो ईमान ले आए, यकीन आया जिन्हें ऐ शौक वो ईमान ले आए, यकीन आया जिन्हें ऐ शौक वो ईमान ले आए। المدینہ المدینہ چل مدینہ چل مدینہ المدینہ چل مدینہ چل مدینہ آج نہیں تو آج نہیں تو آج نہیں تو کل مدینہ المدینہ المدینہ چل مدینہ چل مدینہ 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 صلی اللہ پڑھتے ہوئے ذکر نبی کرتے ہوئے نام محمد لیتے ہوئے چلو چلے مدینہ مدینہ چلو چلو چلے مدینہ مدینہ چلو چلو چلے مدینہ مدینہ
नबी को मात होती है। जर्रा जर्रा है मुनव्वर शहरे तैबा का, जर्रा जर्रा है मुनव्वर शहरे तैबा का, दिन ही रहता है वहां जब रात होती है, दिन ही रहता है वहां जब रात होती है। अल-मदीना चल मदीना चल मदीना, अल-मदीना चल मदीना चल मदीना, अल-मदीना चल मदीना चल मदीना, अल-मदीना चल मदीना चल मदीना। सल्ले अला पढ़ते हुए जिक्र नबी करते हुए नाम मोहम्मद लेते हुए, चलो चले मदीना मदीना चलो चलो चले, मदीना मदीना चलो चलो चले, मदीना मदीना चलो चलो चले। अल-मदीना चल मदीना चल मदीना, अल-मदीना चल मदीना चल मदीना। सल्ले अला पढ़ते हुए जिक्र नबी करते हुए नाम मोहम्मद लेते हुए, चलो चले मदीना मदीना चलो चलो चले, मदीना मदीना चलो चलो चले, मदीना मदीना चलो चलो चले, मदीना मदीना चलो चलो चले।
अल मदीना चल मदीना चल मदीना अल मदीना चल मदीना चल मदीना अल मदीना चल मदीना चल मदीना सल्ले अला पढ़ते हुए जिक्र नबी करते हुए नाम मोहम्मद लेते हुए चलो चले मदीना मदीना चलो 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 चलो चले अल मदीना चल मदीना
मदीना मदीना चलो चलो चले, मदीना मदीना चलो चलो चले। अल मदीना चल मदीना चल मदीना, अल मदीना चल मदीना चल मदीना, अल मदीना चल मदीना चल मदीना। सल्ले अल्लाह पढ़ते हुए जिक्र नबी करते हुए नाम मोहम्मद लेते हुए चलो चले मदीना मदीना चलो चलो चले, 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 मदीना मदीना चलो चलो चले। मदीना मदीना चलो चलो चले, मदीना मदीना चलो चलो चले।
आंधिया रास्ते में टकराए, कैसी कैसी आंधिया रास्ते में टकराए, रास्ते की सख्तियों से वो ना घबराए, रास्ते की सख्तियों से वो ना घबराए, खून में डूबे हुए तलवों पे इतराए, अल मदीना चल मदीना चल मदीना, अल मदीना चल मदीना चल मदीना, आज नहीं तो आज नहीं तो आज नहीं तो कल मदीना, अल मदीना अल मदीना चल मदीना चल मदीना, अल मदीना चल मदीना चल मदीना, अल मदीना चल मदीना।